हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताऊंगी फुल्की, मटर और पानी, इन तीनों चीज़ को फटाफट कैसे बनाएं। तो आइए इसकी विधि शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी की फुल्की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहले 2 कटोरी आटा लेंगे, उसे हम अच्छे से छान लेंगे। ये हमने 2 कटोरी आटा अच्छी तरह से छान लिया है। इसके बाद हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। जब ये दोनों अच्छी तरह से छान लेंगे हम, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऐड करेंगे। इसमें 2 टीस्पून रिफाइन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सान लेंगे। फुल्की बनाना है इसके लिए इसे हम 1 घंटे पहले ही मिक्स करके रख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने फुल्की वाला आटा अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। इसे हम 1 घंटे के लिए रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक सूजी फूल के अपनी स्थिति में आ जाएगा। इसे महीन कपड़े से ढक के रखेंगे, वरना ये आटा सूख जाएगा। तो एक छोटा सा हैंकी लेके हम इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बेल के इन्हें सूखने के लिए रख दी है, और अब इतनी पूड़ियाँ और बची हैं, इन्हें भी हम छोटी छोटी लोइयाँ करके फिर इस तरह से प्रेस करके ऐसे बेल लेंगे। बस इसे 2 बार ऐसे करना है। और अगर आपकी पूड़ी अच्छी ना बनी हो तो हमारे पास ये कटर भी है, इससे हम ऐसे करके कट भी कर सकते हैं। बस ऐसे कट करके निकाल भी सकते हैं। इस तरह पूरी पूड़ियाँ बेलने के बाद ये फुल्की जब कंप्लीट हो जाएंगी तो इन्हें आधा घंटा सूखने के लिए रख देंगे और एक महीन कपड़े से ढक देंगे। फिर इन्हें हम तेल में फ्राई करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। इसको आप धीरे धीरे करके हम एक एक फुल्की इसमें डालेंगे। ये हमने गैस को धीमा कर दिया है। अब हम धीमे धीमे इस फुल्कियों को पलटेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी फुल्की कंप्लीट है। अब इन्हें हम धीमे धीमे करके निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाई हैं। अगर आपको बड़ा साइज रखना है तो आप इससे बड़ी भी पूरी बेल सकते हैं। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी फुल्की कितनी क्रंची है। और ये हमारा पानी तैयार है। इसमें हमने धनिया, अदरक, लहसुन पीस के इसमें पेस्ट डाला है। बर्फ़ डाल दी है, थोड़ा सा जलजीरा, थोड़ा सा चाट मसाला। अब देखते हैं, ये हमारा मटर अच्छे से पक गया है। इसको हम मिक्स कर देंगे नमक और चाट मसाला डाल के। ये हमारा पानी तैयार है और ये हमारी फुल्की तैयार है। अब फटाफट आइए और खाइए। और दोस्तों, आप ये मुझे ज़रूर बताएं कि आप ये किस शहर से देख रहे हैं, आपको मेरा फुल्की कैसा